बस 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 वो मारो हॉस्टल है और जो रिद्धि सिद्धि सेकंड में कल हमारी एक छोटी बहन बीस अगर केल यादव जगह अठारह डायरेक्टर है वहां बहुत गलत करने की कोशिश करी काल तरिया मतलब दरिंदगी केस का एक तरिया जगह इंसान ना बाप तरिया मेहमानियों पूज्यो बन आज आ हालत कर दी भी लड़की की इस थाने में गया मैं 12 बजे पुलिस आई मैं बतायो बान भैया केस दर्ज करो तो आया जब यादव सर हेड ऑफिस में परकन भी बान नहीं कोनी भाई ध्यान पकड़ा है बस बा कंजाया दो बात हुई और वापिस आ गया लड़कियों नमस्कार रिपोर्ट exclusive.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज एपिसोड में आपको दिखाएंगे तीन खबरें। चलिए पहले जान लेते हैं तीनों खबरों की हेडलाइन को। समेजा कोटी में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर से निकली बीएसएफ जवानों की साइकिल यात्रा पहुंची रायसिंह नगर। हॉस्टल संचालक पर लड़की ने छेड़छाड़ का लगाया आरोप, संचालक गिरफ्तार। चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें आज की प्रमुख खबर है हॉस्टल संचालक पर लड़की ने जो छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं वो वाकई काफ़ी शर्मसार कर देने वाले हैं, क्योंकि हॉस्टल संचालकों पर एक जिम्मेदारी होती है क्योंकि उनके परिवार जो है लड़की को वहाँ छोड़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खबर की। रायसिंह नगर की उप तहसील समेजा कोठी में आज पहली बार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में BSTC में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजन हुआ, जिससे युवा छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला। वैसे तो बोर्ड पेपर का सेंटर तो काफ़ी समय से क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा का सेंटर पहली बार चुना जाने के बाद भी खुशी की लहर है। यह परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चली। परीक्षा में 135 परीक्षार्थी शामिल रहे। शाम 5 बजे के बाद छात्राओं के बाहर निकलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वहीं परीक्षा के संचालन के बाद विद्यालय प्रिंसिपल बबीता कालवा ने रिपोर्ट exclusive.com को क्या कुछ कहा, देखें। ये जो की DLD परीक्षा होने जा रही है जी मैडम, ये पहली बार सेंटर बना है, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूरी होने के कारण परीक्षा ही नहीं दे पाते थे और गरीब तबके के होने के कारण ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ सेंटर बना है जी। और इसमें 135 परीक्षार्थी है जो भाग लेने जा रहे हैं जी मैडम। वहीं समेजा कोठी से जुड़ी दूसरी खबर में जम्मू कश्मीर से गुजरात तक BSF के जवान साइकिल रैली निकाल रहे हैं। BSF की जम्मू से 15 अगस्त से शुरू होकर गुजरात जा रही रैली का रायसिंह नगर 156 BN बटालियन पहुंचने पर स्वागत किया गया। समेजा कोठी में भी जवानों का स्वागत कर हौसला बढ़ाया गया। जवानों ने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाए। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और 2000 किलोमीटर की दूरी जम्मू कश्मीर से लेकर डांडी यानी गुजरात तक का सफ़र 49 दिनों में साइकिल से पूरा करेंगे। वहीं जवानों को देखकर क्षेत्र के नौजवानों में भी देशभक्ति की भावना देखते ही बनती थी। वहीं बात करते हैं अब आज की प्रमुख और अहम खबर पर। अगली खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से है। श्रीगंगानगर के रिद्धि सिद्धि सेकंड कॉलोनी में स्थित एक हॉस्टल संचालक यानी KL यादव पर एक छात्रा से जबरदस्ती करने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। बीती रात छात्राओं की शिकायत पर महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई और छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल संचालक KL यादव एक छात्रा को पहले बाजार ले जाया गया, फिर किसी अन्य व्यक्ति के मकान में ले जाकर जबरदस्ती की गई। इसके बाद छात्राओं ने अपने परिजनों को सूचित किया, जिस पर आज सुबह छात्राओं के परिजन हॉस्टल में पहुंचे और अब हॉस्टल को खाली किया जा रहा है। छात्राओं ने कहा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने पिता के समान दर्जा दिया, उन्होंने एक छात्रा के साथ इस तरह का व्यवहार किया, जिससे वे काफ़ी निराश हैं और वे कड़ी कार्रवाई की मांग करती हैं। आपको बता दें कि इस हॉस्टल में प्रदेश के कई शहरों की छात्राएं रहकर अध्ययन कर रही हैं। घटना के बाद छात्राओं के परिजनों और छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हॉस्टल में लगे CCTV कैमरे भी पिछले 1.5 माह से बंद हैं। छात्राओं ने पुलिस पर मामले में असहयोग करने का भी आरोप लगाया था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल पुलिस ने इस मामले में हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार करके उसे जेल भिजवा चुकी है। हॉस्टल है और जो रिद्धि सिद्धि सेकंड में कल हमारी एक छोटी बहन बीस अगर KL यादव जगह 18 डायरेक्टर है वहाँ बहुत गलत करने की कोशिश करी। कल दोपहर करीब 1 बजे की बात है, बेसर
भी लड़की ने कह के लेके गया कि आज आप मार्केट चला और कुछ सामान ले गया है, कॉलेज में गेस्ट आ सी टूट गई और 1:30 बजे करीब बैठू गया और फिर सर बाजार को बहनों ले गए और भी एक शमशान सी जगह ही सुनी भी मकान में लेके गया और बढ़ जा के लोग खोलियो सर सर ने पता वो मकान लोग है बंद है तो कर गई कारण वहां फायदा उठाने की कोशिश करी और फिर मकान में लेके गया फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करी कि यही बन बहुत गंदी तरिया मतलब दरिंदगी केस का एक तरिया जिसका इंसान ना बाप तरिया मेहमानियों पूज्यो बन आज आ हालत कर दी भी लड़की की ये कारण मान सारोन वो काम करनो पड़न ला रहा मैं बहुत मजबूर हाँ सारा मा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मारो साथ दियो और जो भी मार छोटी बहन ना इंसाफ मिल सके एक बार और रिपीट कर दू के एल यादव राधा कृष्ण हॉस्टल और इंडियन अकेडमी का अध्यक्ष रे जो जो रात 1 बजे में करीब पुलिस थाना में गया मैं 12 बजे पुलिस आई मैं बतायो बान भैया केस दर्ज करो तो आया जब यादव सर हेड ऑफिस में परकन भी बान नहीं आया कोनी भाई मैं पकड़ा है बस बा कन जाया दो बात हुई और वापिस आ गया लड़कियों को हॉस्टल में बंद करवा दिया और यादव को खुला छोड़ दिया दो बातें बतला के और पुलिस चली गई वो लड़कियां भी कोई सिक्योरिटी कौन दी बावजूद भी सारो कुछ पता होगा बावजूद भी लड़कियां कोई सिक्योरिटी कौन दी और सुबह भी 11 बजे पुलिस आने ला रही है रात जब 1 बजे FIR दर्ज होगी तो सुबह 11 बजे आने को क्या मतलब है रात को पुलिस आई तो एक भी महिला और अब भी पुलिस आने में बीमारी कौन सुनी अब मैं किंग कर जाऊं और रात 1 बजे मामला दर्ज करियो तो पर अकेला छेड़छाड़ का नहीं है हाँ। लड़की के साथ इतनी जबरदस्ती हुई उसके क्रोंचे आई हुई है दिखाया उस लड़की ने अब जो पुलिस आई सिर्फ खाना पूर्ति करके चली गई उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं मुकदमा दर्ज किसने कराया हम थे सर साथ में क्या लिखा मुकदमे मुकदमे में यही है कि जोर जबरदस्ती की कोशिश की है और बेलाफ चला के लेके गए थे तो जो लड़की है हमारी उसने विश्वास करके सर के साथ चली गई थी फिर वहां पर जो हुआ वहां पर इतनी गंदी तरह उसके साथ बिहेव किया कि यहाँ पर हर जगह उसके खरोंचाई हुई है हमने कल पुलिस को प्रूफ भी दिया था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ देने के बाद इतनी प्रूफ देने के बाद उसको अरेस्ट करने का बनता है कि नहीं बनता हाँ। बस यही सवाल है ये न्याय तो हमारी जो आवाज सुनेगा वही बताएगा कृष्ण लाल यादव जो पुलिस को जो पूरे गंगा इस खबर में और इस बुलेटिन में बस इतना ही और हमारे चैनल पर लगातार खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा reportexclusive.com देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही जय हिंद वंदे मातरम